हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग। ये देख रहे हैं, ये डहलिया मैं बरेली से लेके आई थी, तो इनकी कंडीशन कैसे हो गई। ये हालत हो जाती है अगर मैं प्लांट लेके आती हूँ ना, तो इसमें एक फ्लावर सा यहाँ से भी टूट गया और वो भी टूट गया और इसमें से भी टूट गया, बस ये इतना सा बचा है। और एक वो लेके आई थी, वो भी टूट गया, इसलिए मैं लेके आना नहीं चाहती। ये मैंने कटिंग से लगाए थे, तो ये देखो इसमें फ्लावर बड आ गए हैं, ये और ये है। तो ये मैंने कटिंग से लगाए थे और ये मैं ख़रीद के लेके आई थी, 30 रुपये ईच मिल गए, तो मैंने सोचा चलो ये 4 ले लूं, बट लाते लाते ये टूट गए थे। तो इनके साथ साथ मैं कुछ सकलेंट भी लेके आई थी जो मैंने ट्रांसप्लांट कर दिए, क्योंकि ये पॉलीबैग में भी थे। एक लक्ष्मी कमल भी लेके आई थी और 2-3 और प्लांट लेके आई थी सकलेंट के, और ये लेके आई थी। तो काफ़ी प्लांट लेके आई थी, वहीं सकलेंट खरीद रही थी, तो मुझे ये वहाँ पे बिल्कुल एक कॉर्नर में फेंक दिए थे उन्होंने। ये बिल्कुल फेंके हुए प्लांट थे, उन्होंने कहा बिल्कुल बेकार हो गए, और वास्तव में बेकार हो ही गए थे, क्योंकि इसमें फ्लावर तो आ ही चुके थे। तभी सकलेंट पे फ्लावर आते हैं तो उनकी हालत खस्ता हो जाती है, और कुछ बारिश की वजह से भी हो गए थे। तो वो ये कह रहे थे बिल्कुल बेकार है, नहीं हो पाएंगे। मैंने कहा मैं ले जाऊँ, बोले ले जाओ पर कोई फ़ायदा नहीं है, बच्चा ही था, ऐसे ही होगा 22-23 साल का या 25 साल का। तो बोला आंटी जी ले जाओ आप, पर कुछ पता नहीं ये चलेगा नहीं, वैसे ख़राब ही हो जाएगा। तो मैंने मन में सोचा चलो देखते हैं डील करके, क्योंकि मैंने ये बहुत सारे लगाए हैं, अभी वो ग्रीन बिल्कुल है और ये रेड वाले हैं, तो ये मैंने लगाए थे। और कुछ ये डहलिया की कटिंग भी लेके आई थी, क्योंकि जो जैसे साइड ब्रांच होती है ना इस तरह से, यहाँ से जैसे ये है साइड ब्रांच, तो इसे निकाल के फेंक दे, तो उन्होंने बहुत ढेर सारी साइड ब्रांचेस निकाल निकाल के फेंक दी थी, तो मैंने ये सारी कटिंग लगाई है। देखो ये अभी हरी है, क्योंकि अभी मौसम अच्छा है, धूप नहीं निकल रही, धूप निकलती होती तो ये सारे मुरझा जाते, गिर जाते, तो मैंने ये सारी कटिंग्स लगाई हुई हैं, ये कटिंग्स लगाई हुई हैं, कुछ उनकी ब्रांचेस टाइप की लगा दी हैं। कहते हैं डहलिया की इस टाइप की ब्रांचें नहीं होती हैं, ऊपर की टिप होती है, तो टिप मैंने इधर लगा दी। इसमें कुछ ये फ्लावर बड है, तो इसे मैं तोड़ देती हूँ, क्योंकि ये फूल खिलने में फिर ये एनर्जी वेस्ट करेगा और रूट नहीं बन पाएंगे फिर इसमें। और ये मैंने कटिंग लगा दी इस तरह से, देखिए ये भी मैंने एक कटिंग लगाई थी, ये देखिए मेरे बंदर ने तोड़ दी थी ब्रांच, तो मैंने लगा दी, तो इसमें भी ये ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। देख रहे हैं आप, पास से दिखाती हूँ मैं आपको, देखिए। तो ये ब्रांच ही थी, ऊपर की टिप नहीं थी, तो इसलिए मैंने ये भी लगा दी है, चल जाती है तो अच्छा है, माशाल्लाह बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये चल जाएंगी तो अच्छा रहेगा। और ये मैंने कटिंग कुछ लगा दी, कुछ ये लगा दी कटिंग, और कुछ एक आध ब्रांच ये भी लगाई है मैंने इसमें, और कुछ गुलदाउदी की कटिंग लेके आई थी, ये माली वहीं से कह के उनसे नर्सरी वाले से, तो वो ले जाओ, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो फेंक ही देते हैं। मैंने कहा भी कि आप ऐसे ब्रांचेस तोड़ तोड़ के फेंक रहे हो, मुझे कितना दुख लग रहा है आपको पता नहीं। तो वो हंसने लगा। और ये देखिए ये भी है, और इधर ये भी है, इसी टाइप की ब्रांच कटिंग की हुई है, तो वो लगा दी मैंने। और ये भी मैं लगा देती हूँ, ये भी छोटी सी है, और आप बिलीव नहीं करेंगे ये भी चल जाएगी, बहुत छोटी सी, इसे छोटी कटिंग चल जाती है और बड़ी भी। मौसम बहुत ठंडा हो रहा है और इसकी हालत ख़राब हो गई, देख रहे हैं आप भी, ये और एक साथ लगाई थी, ये अच्छे से चल रही है, ये ठंड की वजह से इसकी हालत ख़राब हो गई है। तो ये कटिंग लेके आई थी कुछ मैं, तो ये कई कटिंग लेके आई हूँ, तो मैंने सभी लगा ही दी, नहीं ये तो मैंने घर पे अपने आप लगाई थी कटिंग, अपने प्लांट से कट करके, और ये मैं ख़रीद के लाई थी, 4 प्लांट खरीद के लाई थी इस बार डहलिया के, वरना मैं कोई प्लांट खरीद के नहीं लाई थी, सब मैंने कटिंग से ही तैयार किए थे। जो मेरे प्लांट पिछले साल के बच गए थे, 2 प्लांट उन्हीं में से मैंने कट करके निकाल दिए, अब देखिए कलर कौन सा निकलता है। और ये भी देखिए, तो जब भी नर्सरी जाए ना, तो इस तरह की अगर चीज़ें आपको दिखें तो आप फ़ौरन ले लीजिए और कहिए हमें दे दो, उनका तो वेस्ट है, वो सड़ जाएगा, फेंक देंगे एक तरफ को, मगर अगर आपको इस तरह का वेस्ट दिखे तो आप जरूर ले लीजिए। और ये 100% सर्वाइव कर जाएंगे, क्योंकि मेरी कटिंग्स, तो मेरा जो प्लांट खराब हुआ था काफ़ी बड़ा, उसका हाइट हो गई, करीब इतना बड़ा हाइट हो गई थी, 1 फीट के करीब हाइट हो गई थी उसमें, इतनी बड़ी उसकी फ्लावर्स भी उसमें आने लगे थे, पर वो सड़ गया बारिश की वजह से, जब अक्टूबर में 16 अक्टूबर को बारिश हुई थी, 16-17 अक्टूबर में, तो बिल्कुल बेकार हो गए थे। तो अब ये है, अब देखो मौसम फिर हो रहा है, 2-4 दिन बाद बारिश बताई, तो मुझे अब फिर इन्हें हटाना पड़ेगा, बस मेहनत ज़्यादा लगती है इन्हें लगाने में, मार्केट से लेके आओ, नर्सरी से लगा दो, बस इनफ हो जाता है, मगर इनकी केयर बहुत करनी पड़ती है। बारिश हो तो हटाओ, धूप हो तो शेड में रखो, और धूप ना हो तो हवा वाली जगह पे रखो, तो इन्हें इधर उधर करना पड़ता है, तो वो मेहनत लगती है, बाकी आपके इजीली आपके प्लांट चल जाते हैं ये। और ये मेरे बंदर ने तोड़ दी थी कटिंग्स, तो मैंने ये भी लगा दी, हिबिस्किस की, ऑरेंज कलर की हिबिस्किस था, तो बंदर ने तोड़ दिया था, फिर मैंने लगा ही दिया, मैंने कहा चलो लगा देती हूँ, पता चले ये भी बिल्कुल सूख जाए, ऐसे ही लगा दिया था जल्दी में मैंने, क्योंकि मैं कुछ कटर वगैरह लेके नहीं आई थी, तो इसलिए मैंने ऐसे ही लगा दिया था। तो अब ये भी चल जाएगा, देखते हैं,
मौसम तो अच्छा है अभी, सीजन ऐसा लग रहा है जैसे कि कटिंग के लिए ही सीजन है, तो आप कटिंग भी लगा लीजिए उस तरह की। अगर आपको मौका मिले तो आप इस तरह के प्लांट ले लीजिए, क्योंकि उनके वेस्ट हैं, आपके काम में आ जाएंगे, आपके ढेरों प्लांट रेडी हो जाएंगे। तो इसलिए मैं नर्सरी से लेना प्रेफर करती हूँ प्लांट को, क्योंकि एक प्लांट लो और चार पांच प्लांट मुझे ऐसे ही इजीली मिल जाते हैं। तो आप ये ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और मेरे हिबिस्किस की कटिंग काफ़ी रेडी हो गई, काफ़ी अच्छी रूट है ये भी मैंने निकाला था, बहुत अच्छी रूट निकली थी, इतना इतना बंच निकला था रूट का ये इसमें। मगर वही है, अभी धूप नहीं है तो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं प्लांट। धूप निकलेगी तो इनमें भी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। मेरे कई में फ्लावरिंग हो चुकी है, बट वो ये धूप की कमी की वजह से अब नहीं हो पा रही है। बहुत अच्छे प्लांट रेडी हो गए थे, बारिश के सीजन में मैंने लगाई थी ये। ये भी मैंने कटिंग से ही लगाया था, डहलिया देख रहे हैं आप ये भी। तो इनके बड़े बड़े पत्ते मैं तोड़ दूँ, जिससे कि एनर्जी इनको आगे बढ़ने में लगे, फोलियज कम होगा तो इनमें कीट वगैरह भी नहीं लगेंगे। मुझे लग रहा है इसमें कैटरपिलर लग गया है, ये देखिए पॉटी पड़ी हुई है उसकी। तो इस तरह से आप पत्तों को तोड़ते जाइए, अलग करते जाइए, तो जो भी एनर्जी है वो ऊपर ग्रोथ में लगाया जाइए। और ये प्लांट मेरे काफ़ी तैयार हो गए हैं, ये वाले थुनबर्गिया के, ये है पांच छह प्लांट है, 1 2 3 4 5 6 प्लांट है, दो मैं दे चुकी हूँ किसी को। तो आप अभी कटिंग खूब अच्छे से लगाइएगा, ढेरों कटिंग हो जाएंगी रेडी, है ना। तो ये वेस्ट है, तो वैसे मैंने काफ़ी ये सारी कटिंग्स लगा दी, जितनी भी नीचे की पत्तियाँ थी वो भी लगा दी, ये भी लगा दी। बस इसमें फंजीसाइड का स्प्रे करते रहना है, मैं फंजीसाइड भी स्प्रे करूँगी वो लेके आई हूँ, जब मिट्टी हल्की सी सूखने लगे। अभी पानी भी कमी डालना है, बारिश से बचाऊँगी मैं, अब इसे उठा के नीचे लेके जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स।